नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, ऐसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में सेजिटेरियस जो डेक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर में उनके साथ क्या अच्छा या बुरा होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है उनके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके या फिर पर्सनल लाइफ को लेके, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे, ये सब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो और कुछ लोगों के साथ ना हो। तो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट करे, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना हो। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप में से कोई अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। गाइस, मैं और एक बात भी कहना चाहूँगी कि वीडियो में दिखाए गए कार्ड्स बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, इसलिए आप वीडियो को काइंडली एंड तक देखिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा मैसेज आपके लिए हो जो कि यूनिवर्स आपको सेंड करना चाहते हैं। मैं बस एक माध्यम ही हूँ, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए। गाइस, मैं और एक बात भी कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो फिर चलिए भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर सजिटेरियस। गाइस, मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, काइंडली आप प्रेयर करते रहिए हेल्प के लिए, ताकि हमें सही कार्ड, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैं उसे आप तक पहुँचा सकूँ। सो कीप प्रेइंग। तो हमारा पहला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है तो हैंग्ड मैन। एक और कार्ड देखेंगे। सो लास्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स हमें क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि हाल ही में आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसको लेके आप रिग्रेट बहुत करेंगे। इमोशनली, मोस्टली मैं कहूँगी कि इमोशनली आप बहुत रिग्रेट करेंगे। हो सकता है आप खुद के ही किसी एक्टिविटी को लेके, किसी दूसरे के साथ आपका जो बर्ताव रहेगा जो कि बुरा होगा, उस चीज़ को लेके आप रिग्रेट करने वाले हैं। तो हो सके तो अपने बिहेवियर के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्योंकि आप ऐसे इंसान है नहीं है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है इसलिए ये बात आपको खटकेगी कि आप कभी किसी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। और ओकेजनली एक चीज़ आप ऐसे करेंगे और उसको लेके भी आप रिग्रेट करेंगे और बहुत बुरा फील करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उस चीज़ को रियलाइज करेंगे, अपनी गलती को मान लेंगे और सुधारने की भी कोशिश करेंगे। जिसको भी आप हर्ट करने वाले हैं आप बाद में उसके सामने जाके अपनी गलती को मान लेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। उससे आपने जो कहा वो तो नहीं बदल सकता है, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा ज़रूर लगेगा कि आपने अपनी गलती मान ली और उससे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें थोड़ा सा बेटर फील होगा। लेकिन बुरी बात यह है कि आप उस सिचुएशन उनके साथ सब कुछ सही कर लेंगे, लेकिन बाद में उससे ही कुछ मिलता जुलता सिचुएशन जो फिर से आपके साथ होगा किसी और इंसान के साथ, आप उनके साथ भी सेम बिल्कुल करने वाले हैं, जिसको लेके बाद में फिर आप रिग्रेट करने वाले हैं कि आप बार बार आपसे एक ही तरीके की सिचुएशन से एक ही तरीके की गलती हो रही है, आप उस चीज़ को लेके रिग्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पे एक इमोशनल लॉस की मैसेज भी है, तो हो सकता है कि आपकी बिहेवियर की वजह से जो जिन लोगों को भी आप हर्ट करेंगे उनमें से कोई आपको
माफ़ नहीं करने वाला है। हालांकि मैं कहूँगी कि यहाँ पे हो सकता है कोई एक आपको माफ़ कर दे, लेकिन यहाँ पे एक और दो इंसान वो भी होंगे जो आपको माफ़ नहीं करेंगे, और आपकी गिल्ट बढ़ती रहेगी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि पहले उन इंसान के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप रही है पहले से ही, और आप खुद की गलती की वजह से उन्हें खोने वाले हैं यहाँ पे क्लियरली जो कि शो हो रहा है। और ये चीज़ इसलिए आएगा क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे डिस्टर्ब होने वाले हैं, फंसने वाले हैं, जिसको लेकर आप पर्सनल लाइफ में आपके बिहेवियर को लेके चेंजेस आ जाएंगे। और क्योंकि ये सजिटेरियस वालों की नेचर है, वो ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि दूसरे को कौन सी चीज़ से, जो सामने वाला किस चीज़ से हर्ट हो सकता है, ये चीज़ नहीं सोचते हैं, और डायरेक्टली उनके मन में जो होता है वो बस बोल देते हैं। तो इसी नेचर की वजह से आप भी अपने आसपास के कुछ लोगों को हर्ट करने वाले हैं, जिससे लॉस आप ही को होने वाला है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि हर एंड के साथ एक न्यू बिगनिंग भी जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे आपके उस लॉस के साथ कुछ गेन भी जुड़ा हुआ है। और 5 जैसे कि हमें पता है इज़ द नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजिकली इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो या इस ये जो सिचुएशन होगा जिससे आप कुछ अपने लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को हरा सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आपको माफ़ कर देंगे और वो लोग आपको जो समझाएंगे उनके इन्फ्लुएंस में आपके आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी लाने वाले हैं, और खुद को रेडी भी करेंगे फ्यूचर में, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो प्रोफेशनली, जैसे वो आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर ना करे, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो आपके इस एक्टिविटी के साथ, आपके इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इन बोथ मैं कहूँगी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में सुधार करने में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ सुधारने में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जो लोग आपको माफ़ करेंगे वो लोग आपको, जिन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बिगड़ी है उन्हें सुधारने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो मूव ऑन करते हैं 9 ऑफ कप्स की तरफ। 9 ऑफ कप्स की तरफ ये आपकी वेट को शो कर रहा है, जैसे कि आप अपने अंदर की जो भी बुराई है उसे ख़त्म करने के बाद, अपना पार्ट प्ले करने के बाद वेट करते हुए यहाँ पे कि कैसे आपने जो खोया है जो भी। यहाँ पे मैं एक बात भी और कहना चाहूँगी, यहाँ पे फिनेंशियल लॉस भी थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो फिनेंशियल लॉसेस होंगे उसका प्रभाव ही होगा, आप टेंस्ड सिचुएशन में होंगे तभी ये सब आपसे गड़बड़ी हो जाएगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे वो सब वापस आता हुआ 9 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे आपको जो फिनेंशियल लॉसेस हुए थे वो वापस मिलता हुआ, और फिर जो रिलेशंस खराब हुए थे वो वापस आते हुए यहाँ पे, उसके साथ ही ये सब चीज़ें जब ठीक हो जाएंगे आप इमोशनली भी ग्रो करते हुए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ। इसके साथ और एक बात भी मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं हेल्थ वाइज कहना चाहूँगी कि जो लोग फिजिकली थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप थोड़ा सा फिजिकली कुछ दिनों के लिए सफ़र कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो आप बहुत क्विक रिकवर कर जाएंगे उस चीज़ से। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज भी मैं कहूँगी आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा टाइम है, आप हेल्दी रहेंगे, और इमोशनली भले कुछ दिनों के लिए बस आप लो फील करेंगे, उसके बाद वो चीज़ भी बेहतर होती हुई आपके लाइफ में। लव लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग सिंगल है और होप करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये वेट का कार्ड है और कप्स है जो कि इमोशनल वैल्यूज को शो करते हैं। तो जो लोग अभी सिंगल है और होप कर रहे हैं कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में आने की होप में वेट कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत बेहतरीन इंसान मिलने वाला है जो कि स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे क्लियरली लग रहा है कि वो लोग आपको ऐसे इंसान से, अगर लव मैरिज है तो प्यार होगा आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर अगर अरेंज्ड मैरिज है तो आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान आएंगे जो कि स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग भी होंगे, और एक स्पिरिचुअल पर्सन मैं कहना चाहूँगी क्लियर वर्ड्स में, आपको एक स्पिरिचुअल इंसान से बहुत प्यार होगा जो कि आपको लाइफ में सरेंडर करना, कुछ चीज़ों को छोड़ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे फाइट करने की लग रही है कुछ सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे और आप इमोशनली भी चीज़ों को पकड़ के रहते हैं, मतलब अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लग गई, किसी से आप हर्ट हुए तो आप माफ़ नहीं करते, लेकिन जब वही चीज़ें आपके साथ होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको
माफ़ कर दे, लेकिन आप खुद माफ़ नहीं करते। तो ये इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपको ये सिखाएंगे कि माफ़ कैसे किया जा सकता है, कैसे दूसरों के किसी बुरी चीज़ से खुद के ऊपर उसका कोई असर ना हो, प्रभाव ना हो, दूसरों से आप इन्फ्लुएंस ना हो, बस दूसरों की थॉट प्रोसेस आपको मैनिपुलेट ना कर सके किसी बुरी वे की तरफ। ये सारी चीज़ें आप उनसे सीखने वाले हैं। वो आपको आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटालिटी, ये सब बहुत एक हायर लेवल में ले जाएंगे। आप उनके साथ मेडिटेशन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। और क्योंकि ये एक नेचर लवर होंगे, तो आपको भी बहुत टाइम वो नेचर के बीच स्पेंड करना सिखाएंगे। आप दोनों ही नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करेंगे और एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। सो मूव ऑन करते हैं पेज ऑफ पेंटाकल्स की तरफ। यहाँ पे मुझे फिनेंशियल ग्रोथ एक नज़र आ रही है आपके लिए। एक फिनेंशियल ग्रोथ भी मैं कहूँगी और एक अपॉर्चुनिटी भी कहूँगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, मतलब अगर आप किसी जॉब में अभी हैं तो आपको उसमें प्रमोशन मिल सकता है बहुत जल्दी, या फिर एक नई जगह में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब पोस्ट वही है बस जगह की ट्रांसफ़र हो सकती है आप लोगों की। और कुछ लोग जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपको जॉब मिलता हुआ जो कि एक वेल पेड जॉब होगा, अच्छी सैलरी होगी आपकी। और क्योंकि सैजिटेरियस वालों की हमेशा खूबी होती है, वो एक लग्जरी मेंटेन करना चाहते हैं, तो यह चीज़ भी यहाँ पे होता हुआ। आपकी सैलरी कम से कम उतनी ही होगी जिससे कि आप जो लग्जरी चाहते थे उनमें से आप मिनिमम से ज़्यादा मैं कहूँगी वो लग्जरी मेंटेन कर पाएंगे। और ये जो मैंने कहा कि जो ट्रांसफ़र होगा उसके वजह से आपके जो नए कॉलिग्स, नए बॉस जो भी आपको मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, एक बहुत अच्छे सर्कल के अंदर आप काम करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपकी नेचर है काम करना, आपकी बहुत अच्छी नेचर है, आप काम करना पसंद करते हैं, सिर्फ बैठ के पैसे लेना या फिर एक दूसरों के बारे में गॉसिप करना, ये सब आपको पसंद है। आप वर्क प्लेस में बस थोड़ा सा शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शांति से सब अपना अपना काम करें और आप अपने हिस्से का काम करें, बस यही चाहते हैं। फिलहाल आप थोड़ा सा वर्कलोड से कुछ दिनों के लिए गुजरने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको इमीडिएट रिलीफ भी मिलने वाला है। इस ट्रांसफ़र के साथ आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, एक बेहतरीन जगह पर भी आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऐसी जगह जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं, एक ऐसी जगह में आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है। बिल्कुल देखिए सिक्स ऑफ वांड्स के साथ जो कि विक्ट्री का है, विक्ट्री यानी आप जो चाहते हैं वो, विक्ट्री यानी आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो यानी कि आपकी मनपसंद की जगह पे आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है बहुत जल्द, जिससे कि आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग की है कि अगर ऐसा हुआ तो वो करूँगा, ये अपॉर्चुनिटी मिला तो वो करूँगा, इस तरीके के बस सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ही आप ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी आप जिस जगह में हैं आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में आप जो चाहते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी लाइफ ग्रो करने वाली है। तो आपको उस चीज़ को लेकर खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर आपका यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा सेटल लाइफ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप से कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, यहाँ मुझे एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है, आपकी या फिर आपकी फैमिली में किसी और का एक इनकम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेके आप बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। ये सिक्स ऑफ वर्ड्स के साथ एक ये मैसेज भी है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं, द स्टार कार्ड, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड है। द स्टार कार्ड हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है चीज़ों को बैलेंस करने की। तो द स्टार कार्ड के साथ यहाँ पे एक बैलेंस्ड लाइफ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में पहले चीज़ें आपके लिए बिगड़ती हुई, बाद में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, फिर चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में ट्रैक में आनी शुरू हो जाएंगी। तो और वो भी आपकी सही डिसीजन और सही एक्शन को लेकर, और आप जैसे एक लाइफ जीना चाहते थे हमेशा से वैसा ही कुछ हद तक आपके लिए होता हुआ यहाँ पे, और जो चीज़ आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगी। देखिए यहाँ पे पहले सब कुछ बिखरा हुआ था,
बाद में बहुत सारे चेंजेस जो कि आएंगे, उससे आपको जो लाइफ पसंद थी वो आपको मिलेगी। तो पहले बिखरा हुआ बाद में सेटल लाइफ, तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। मतलब ये जो लॉस के दौरान, ये जो बुरी पीरियड के दौरान जो भी लॉसेस आपके होंगे, इमोशनली हो या फिर फिनेंशियली हो, जो भी लॉसेस अभी चल रहे हैं आपके लाइफ में, मैं कहूँगी अभी भी चल रहे हैं कुछ हद तक, तो आने वाले कुछ दिनों में वो सारी चीज़ें जो कि है वेस्ट, जो कि है आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें जो कि है, वो क्लियर होकर निकल जाएगी, एकदम फ्लश आउट हो जाएगी आपकी लाइफ से, और सिर्फ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी यादें ही रहने वाली है। और बिल्कुल आप इस पीरियड के दौरान जो भी सफ़र कर रहे हैं, अब वो चीज़ें अब फ्यूचर में मैटर नहीं करेंगी, और आप अपनी एक बैलेंस लाइफ, मतलब आप जो काम करते हैं उस काम की प्लेस में एंजॉय करेंगे, फिर घर आएंगे तो पर्सनल लाइफ आपकी बेहतरीन होगी, हेल्थ वाइज आप ठीक रहेंगे, घूमना फिरना जो कुछ भी हो आप जैसे चाहते थे, आपकी मैं कहना चाहूँगी कोई बड़ी नीड नहीं थी हमेशा से, बस छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ दिनों से आपकी लाइफ से छिन गई थी, वो मैं कहना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे वापस मिलने वाला है बहुत जल्द। चलिए कुछ और ओरेकल कार्ड्स के मैसेज भी देख लेते हैं सजिटेरियस वालों के साथ क्या होने वाला है। ये ओरेकल कार्ड्स में गाइडेंस के लिए देख रही हूँ, ये फ्यूचर में क्या होने वाला है और कैसे वो डील करेंगे इस चीज़ की गाइडेंस देंगे। तो मैं 1 मिनट क्लियर कर देती हूँ। बिग पिक्चर थिंकिंग, एक और कार्ड भी हम देखेंगे। जंप इन, सो लेट्स स्टार्ट विथ बिग पिक्चर थिंकिंग, जो कि हमारी पहली कार्ड है। तो ये कार्ड जो है, ये सैजिटेरियस वालों की जो एक बेसिक नेचर है उस चीज़ को भी शो कर रहा है। सैजिटेरियस वाले हमेशा बड़े सपने देखना, बड़े चेंजेस लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं, ये उनकी नेचर है। और कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें नहीं होती, हाँ वो जो चीज़ें उन्हें मिलती है, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से कम मिलती है तो उससे वो मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, खुश नहीं हो पाते, उन्हें एग्जैक्टली वही चाहिए होता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक जो है मैनिफेस्टेशन जो चीज़ एक है यहाँ पे आप लोगों के लिए, वो गाइडेंस है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं इस कार्ड के साथ ये मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो एक बड़ी चीज़, जो कि बड़ा चेंज आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, बिग पिक्चर थिंकिंग, तो आपके अंदर एक एनर्जी है, एक हिडन एनर्जी है, एक ब्लेसिंग्स है, जिसको यूज़ करके आपको अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कुछ फॉलो करते हुए जो चीज़ आप चाहते हैं उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। जो आप एक विजनरी पावर जो यहाँ पे लिखा है, इंस्पायर्ड आइडियाज़, मतलब न्यू आइडियाज़ जिससे आपको डेवलपमेंट मिल सके, ग्रोथ मिल सके, आपको उस चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा उसे एक्सेप्ट करने के लिए अपना हार्ट ओपन रखेंगे, तो ही आपको वो जो सक्सेस, वो जो लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ, आप जो चाहते हैं लाइफ में, वो यहाँ पे मिल सकती है। और सेकंड कार्ड जैसे कि है जंप इन, एंड्रोमेडियन एनर्जी एडवेंचर से यस टू चेंज, तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको क्या चीज़ है जो लाइफ में ये हासिल करने से रोक रही है, वो है आपकी जो एक नेचर है, आप चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ आप जैसे चाहते हैं वैसे चले, और बड़े बदलाव ना, आपको खुशियाँ, एक तरफ आपको खुशियाँ चाहिए होती है, दूसरी तरफ आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, टाइम लगाते हैं, लेकिन जब एक बार चेंज मिल जाता है और उससे जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होती है, आप उससे खुश हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है, से येस टू द चेंज। आप भले ही आपके हिसाब से ना हो, भले ही आपके हिसाब से ना हो, फिर भी आपको जो चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उन आप जैसे कहा गया यहाँ पे, से येस टू चेंज, आप एक्सेप्ट कीजिए इस थॉट प्रोसेस के साथ कि हाँ मैं इस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये आगे चलकर मुझे सिर्फ खुशियाँ ही देने वाला है। इस थॉट प्रोसेस के साथ आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आपने क्या किया हुआ है ना, आपने
आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, दूसरों की जो भी खुशियाँ हैं, दूसरों के लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे देख के मायूस हो रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी बोरिंग है। हाँ, और आप लोगों की सैजिटेरियस वालों की एक और नेचर है, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। आपको मतलब बहुत सारी यूनिक चीज़ें चाहिए होती है हमेशा एक रेगुलर इंटरवल में खुश करने के लिए, खुश होने के लिए। तो आप बोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक तो आप बोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरी तरफ आप कुछ खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं खुद की लाइफ में खुशियाँ ऐड करने के लिए। रास्ते जो मिलते हैं आप ये कहते हैं ये रास्ता मुझे पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, लेकिन खुशियाँ उन्हीं रास्तों में चलने से ही आपको मिलने वाली हैं, ये आप समझना नहीं चाहते। तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप इन जो भी चेंजेस जो कि होता है सिस्टमेटिकली लाइफ में जो आपकी तरफ आ रही है, आप उन्हें अपना हार्ट ओपन करके एक्सेप्ट कीजिए, उन्हीं रास्ते पे आगे जाइए। और बड़ी सोच के साथ यहाँ पे जो इंस्पायर्ड आइडियाज, एक बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़िए तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, जो इसे आप चाहते हैं वो हो जाएगी। बस वो जो बात है जिससे आपको आगे बढ़ना है वो हुए आपका नहीं होगा, जो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है वो आपके मनपसंद का नहीं होगा, लेकिन मंजिल बिल्कुल आपके मनपसंद का ही होगा, ये गारंटी है। तो आपको नापसंद होते हुए भी बस उसी रास्ते में चलते हुए आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके लिए वही प्लान कर रहे हैं। और सैजिटेरियस वालों की किस्मत ही ऐसी होती है, आपको वही करना होता है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बेहतरीन होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान से कभी गलती कुछ जिससे नहीं हो सकती, वो हमेशा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे सैजिटेरियस वालों के लिए ये चीज़ बेस्ट है कि अपने पसंद के बाहर के रास्ते को चुन के अगर वो आगे बढ़ के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन एडवेंचरस लाइफ उन्हें मिलेगी। जो वो खुशियाँ वो चाहते हैं वही मिलेगी, जो फिलहाल है ना सैजिटेरियस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें हमेशा ऐसा गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसका कवर बहुत बोरिंग सा होता है, जो कि उन्हें पसंद नहीं होता, वो कहते हैं इसके अंदर क्या ही गिफ्ट होगा, लेकिन उनका मनपसंद जो बेस्ट गिफ्ट है उनका उसी के अंदर ही होता है। तो आपको कवर चाहिए या फिर उसके अंदर का गिफ्ट चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कवर तो बस कुछ देर के लिए ही होता है, देखने के बाद आप फाड़ देंगे उससे। तो आप अगर आप एक्चुअली अपना दिमाग लगाएंगे तो कवर चूज ना करके गिफ्ट हमेशा आपके साथ रहने वाला है, उस गिफ्ट को ध्यान में रखते हुए, इस बोरिंग सा कवर को इग्नोर करते हुए अगर वही गिफ्ट बॉक्स चुनेंगे तो आपको अपना मनपसंद गिफ्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये गाइडेंस जो है सैजिटेरियस वालों के लिए है, या मोस्टली मैं यही कहना चाहूँगी। अब चलिए देख लेते हैं कि सैजिटेरियस जोडियक साइन वालों के लिए किस एंजल नंबर की मैसेज है या फिर किस एंजल नंबर की कार्ड की ब्लेसिंग्स है इस रीडिंग को। तो यहाँ में मैंने स्पोर्टली में रैंडमली कुछ एंजल नंबर के कार्ड्स रखे हैं और मैं रैंडमली एक चूज करूँगी जिसको कि इस रीडिंग को जिसकी एनर्जी मिलेगी। तो ये 1111 की एनर्जी जो कि है, 1111 की एनर्जी है, जो कि बहुत एक स्ट्रांग नंबर जो है, सबसे बेस्ट नंबर कहा जाता है एंजल्स की। तो इस रीडिंग को इसकी 1111 की एनर्जी मिलती है। तो इसके साथ ही हमें ये मैसेज या फिर गाइडेंस हम कह सकते हैं एंजल्स देना चाहते हैं कि एक फाउंडेशन जो है आपकी लाइफ में बिल्ड होने वाला है, लेकिन फाउंडेशन कैसे होगा, अगर हम स्टेप लेंगे, हम कुछ करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में जो खुशियों का जो एक फाउंडेशन करना बनाना चाहते हैं वो होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई कैसे होता है, जैसे कोकून से बाहर निकलता है उसके लिए एक फाइट होता है। तो यहाँ पे वो जो फाइट वो चेंज है जिसको मैंने कहा यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि आपको उस चीज़ को उस फाइट के थ्रू जाना ही होगा, चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ के जो कि आपकी लाइफ है पसंदीदा लाइफ वो पा सकेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी लाइफ जो कि है एक आपकी लाइफ को एक फाउंडेशन मिलने वाला है, स्ट्रांग एंड सपोर्ट मिलने वाला है आपको लाइफ में, करियर में भी मिल सकता है। तो फिर मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे तो स्टार कार्ड के साथ इसे इंक्लूड करूँगी कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ में आपकी बैलेंस्ड होने वाली है यहाँ पे इस नंबर के साथ। और ये जो न्यू बिगनिंग एक है, न्यू चैप्टर है, जो कि पेज ऑफ पेंटाकल्स के साथ मैं कहूँगी आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आप ही को ही स्टेप लेने की देर है यहाँ पे।
तो उस जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, आप उसे प्लीज मैं कहूंगी कि एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज ज्यादा देर ना हो जाए आप लोगों के लिए खुशियों को पाने की। सो मोस्टली मुझे यही लग रहा है यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू। तो अभी हम सैजिटेरियस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो सैजिटेरियस जोडियक साइन वालों की लकी नंबर है 9। लकी कलर है पर्पल। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा पर्पल एनर्जी तो मिला ही है इस कार्ड से। और लकी डे है थर्सडे। तो अगर आप कोई काम, अच्छे काम शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप थर्सडे को ही शुरू कर तो आप कोशिश कीजिए कि थर्सडे को ही शुरू करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सैजिटेरियस वालों की जो कि आर्क एंजल, जो मैं जैसे कि मैं कहती हूँ कि हर जोडियक साइन को किसी न किसी आर्क एंजल की ब्लेसिंग से, तो यहाँ पे सैजिटेरियस को आर्क एंजल रेगल की ब्लेसिंग से, जो कि है एंजल ऑफ द चेयरफुल एंजल, जो कि वो जाने जाते हैं द चेयरफुल एंजल दैट ओवरसीज रिलेशनशिप्स एंड ब्रिंग्स सोशल ऑर्डर, जो कि है। सो इसीलिए सैजिटेरियस जोडियक साइन वालों को सोसाइटी में एक रेपुटेशन उन्हें हमेशा मिलता है, एक फाउंडेशन वो बिल्ड कर पाते हैं सोशली, जो कि उनकी एक प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी कि सैजिटेरियस वाले बहुत पॉजिटिव होते हैं लाइफ में, बस कुछ कुछ चीज़ों में उन्हें पता नहीं चलता वे कि वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे ही बस। पर वो तो हर किसी का, हर इंसान, हर जोडियक साइन में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइस, जिन लोगों की भी सैजिटेरियस जोडियक साइन है, आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट भी हुआ होगा। आप अगर चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं किन किन के साथ रेजोनेट हुआ, और आगे चल के आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बिल्कुल बताइएगा। मैं फ्यूचर में उस चीज़ को लेकर वीडियो करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।